हेलो फ्रेंड्स, नेशनल पीसी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रसन्नजीत और आज हम लोग देखेंगे एलगाटो का एक्सटर्नल कैप्चर कार्ड। एलगाटो का एक्सटर्नल कैप्चर कार्ड जो है उसमें चार डिवाइस आता है। पहले आता है कैमलिंक 4K, उसके बाद HD60S, उसके बाद HD60S+, और एकदम लास्ट में सबसे बढ़िया है 4K60S+। इन चारों डिवाइस में फीचर्स में क्या डिफरेंस है, इसका पोर्ट में क्या चेंजेस है, उसके क्विकली ग्रो थ्रू कर लेते हैं। एलगाटो कैमलिंक 4K, इसमें आपका HDMI इनपुट है और USB 3.0 आउटपुट है। तो इसमें आपका HDMI इनपुट से जो भी वीडियो इनपुट होगा तो ये आपका डायरेक्टली कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग होगा। इसमें आपका डायरेक्ट कोई पास थ्रू नहीं है, यानी आपका जो भी आपका वीडियो आ रहा है HDMI इनपुट से उसका आप डायरेक्ट डिस्प्ले में नहीं देख सकते। इसका जो रिकॉर्डिंग है ये आपका Full HD यानी 1080p तक इसमें रिकॉर्डिंग हो सकता है। नेक्स्ट है एलगाटो का HD60S, इसमें आपका एक HDMI इनपुट है, एक HDMI आउटपुट है, एक आपका USB Type-C आउटपुट है और एक आपका एनालॉग ऑडियो इनपुट पोर्ट है। तो इसमें आपका 2-3 फीचर्स एक्स्ट्रा है जो कैमलिंक से। एक है आपका जो भी HDMI इनपुट आ रहा है उसका पास थ्रू करके कोई मॉनिटर में देख सकते हैं, और इसके साथ आप कंप्यूटर में USB Type-C केबल लगा के उसमें आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इसके साथ जो आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं उसका लिमिट है Full HD 1080p तक, और इसका जो पास थ्रू है वो भी आपका लिमिट है Full HD 1080p तक। इसमें जो एक्स्ट्रा जो एक फीचर्स है वो आपका एनालॉग ऑडियो इनपुट, आपका जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है HDMI केबल से इसके साथ साथ आप एक ऑडियो इनपुट भी इसमें ले सकते हो। नेक्स्ट है एलगाटो का HD60S+, ये आपका नियर अबाउट HD60S के साथ सेम है। इसमें भी आपका एक HDMI इनपुट है, एक HDMI आउटपुट है, एक USB Type-C आउटपुट है और एक आपका एनालॉग ऑडियो इनपुट पोर्ट है। तो इसका जो एडवांटेज है HD60S से, इसमें क्या होगा, आपका 4K HDR पास थ्रू होगा, यानी आपका कोई 4K HDR में आप गेम खेल रहे हैं या फिर 4K HDR आपका कुछ वीडियो इनपुट है उसका आप डायरेक्टली पास थ्रू करके आपको डिस्प्ले या मॉनिटर में देख सकते हैं। इसके साथ से इसका जो रिकॉर्डिंग होगा 1080p आपका Full HD में रिकॉर्डिंग होगा, 60fps तक इसका रिकॉर्डिंग हो सकता है। नेक्स्ट एलगाटो का 4K60S+, ये सबसे बढ़िया डिवाइस है जो अभी नया नया रिलीज्ड हुआ है इंडिया में। तो इसमें आपका क्या है, जो गेमर्स से बाहर में गेम खेलने जाते हैं या फिर आपको दूसरे लोकेशन पर जा रहे हैं जहाँ पे आपका कंप्यूटर्स है नहीं, तो इसमें आपको डायरेक्ट रिकॉर्डिंग फीचर्स है। यहाँ पे आपका HD कार्ड का स्लॉट है जहाँ पे HD कार्ड लगा के एक रिकॉर्डिंग बटन दबाते ही आपका पूरा जो कैप्चर हो रहा है पूरा इसमें रिकॉर्डिंग हो जाएगा। इसमें आपको 4K HDR तो इसमें पूरा रिकॉर्डिंग हो सकता है और इसका पास थ्रू भी 4K HDR हो सकता है। चलिए इस चारों डिवाइस का भी हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका क्या क्या फीचर्स में डिफरेंशिएट है, क्या पोर्ट में डिफरेंशिएट है, सारे एक बार चेक करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग कैमलिंक 4K का अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं क्या एक्सेसरीज है इसके अंदर और प्रोडक्ट एक्चुअल में क्या है। छोटा सा ही बॉक्स है, एलगाटो का सुंदर सा लोगो है, एक केबल है, देखते हैं कौन सा केबल दिया है। अच्छा, ये आपके USB 3.0 एक्सटेंशन केबल है और ये आपका कैमलिंक, एकदम छोटा साइज है पेन ड्राइव की तरह। ये देखिए, ये आपका HDMI इनपुट है और ये आपका USB 3.0 आउटपुट है। तो ये USB 3.0 आउटपुट कैमरे के साथ कनेक्टेड होगा, तो आपका कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, जहाँ पे कनेक्ट करना है डायरेक्ट के भी कर सकते हैं और ये जो एक्सटेंशन है इसको लगा के भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका फीचर्स यही है, आपका जो भी कैमरा का इनपुट होगा उसको आप कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर सकते हैं वो अप टू Full HD तक। यहाँ पर इसका स्पेसिफिकेशन भी मेंशन है, आप चाहे तो इसके बाद गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एलगाटो का HD60S। ये देखिए बड़ा करके मेंशन है 1080p यानी Full HD 60fps तक इसको कैप्चर होगा और इसका USB 3.0 इंटरफेस है और इंस्टेंट गेम व्यू भी आप मिल सकते हैं। इसका मतलब आपका जो लाइव व्यू है आप इसका आउटपुट मॉनिटर में देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी होगा और साथ साथ आपका व्यू भी आ जाएगा। तो चलिए इसका हो गया, अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके साथ क्या केबल आया है, क्या एक्सेसरीज है, एक बार चेक कर लेते हैं। थोड़ा बड़ा पैकेट है आपका कैमलिंक से ज़्यादा। यहाँ पे आपका गाइडेंस है,
कैसे आपको कनेक्ट करना है, तो आप इस गाइडेंस देख के भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपके HD60S है, छोटा सा डिवाइस है। पहले इसका जो एक्सेसरीज है वो एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, ये आपका USB टाइप सी केबल है। और ये आपका HDMI एक्सटेंशन केबल है। और आपका एक एलगाटो का लोगो और एक छोटा सा मैनुअल है इसके साथ। तो अभी देखिए, यहाँ पे आउट लिखा है, HDMI आउट, और यहाँ पे आपका HDMI इन, एक आपका ऑडियो इन, और अभी आपका USB टाइप सी इन। तो आपका जो भी HDMI इनपुट होगा, जो भी आपका वीडियो का इनपुट होगा, आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके लिए आपका HDMI केबल है। आप चाहे तो इस HDMI केबल से आप इससे इनपुट ले सकते हैं, आपका अगर कैमरा दूर में है, या तो आपके कैमरा को डायरेक्ट यहाँ से लगा सकते हैं। और बाकी आपका अगर लाइव व्यू देखना है, अगर आपको पास थ्रू चाहिए, तो पास थ्रू के लिए आपका ये जो आउटपुट, आपका जो पोर्ट है HDMI आउटपुट पोर्ट, यहाँ से आपका HDMI आउटपुट से आपका लाइव व्यू मिल जाएगा। बाकी आपका अगर इसको रिकॉर्डिंग करना है फुल HD में, तो आपके जो टाइप सी पोर्ट है, ये टाइप सी पोर्ट में आपको इसको लगाना है। और इसके साथ ये जो आपके USB 3.0 नॉर्मल पोर्ट है, इसको आप आपका कोई डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, सिस्टम में कनेक्ट करके आपका जो भी एलगाटो का सॉफ्टवेयर है या फिर कोई भी फ्री सॉफ्टवेयर जैसे OBS है, वहाँ से आप इसको रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे HD60S Plus। थोड़ा बड़ा बॉक्स है ये, आपका सेम साइज का ही है HD60S Plus। एक आपका एलगाटो का लोगो, एक मैनुअल, इसके साथ भी दो केबल आया है। यहाँ पे भी आपका यूज़र गाइडेंस है, आपको इसको कैसे यूज़ करना है। और इसका जो फीचर्स है, फ्रंट में एक बार देखते हैं। देखिए, 4K HDR पास थ्रू, इसका मतलब इसका जो आप जो भी गेम खेलेंगे या आप जो भी आपका वीडियो इनपुट हो रहा है, अगर आप 4K का वीडियो है, तो उसका 4K वीडियो का पास थ्रू करके मॉनिटर या डिस्प्ले में देख सकते हैं। लेकिन इसका जो कैप्चर क्वालिटी है और इसका जो रिकॉर्डिंग क्वालिटी है, ये आपका अप टू फुल HD 60 FPS तक हो सकता है, वो भी HDR मोड में। और इसका जो इंटरफेस है कंप्यूटर या सिस्टम के साथ, वो USB 3.0। ये देखिए, सेम है, फिर जैसे HDMI आउटपुट है, यहाँ से आपका 4K HDR आउटपुट होगा। ये आपका HDMI इनपुट है, यहाँ पे आपका वीडियो इनपुट होगा। और ये आपका टाइप सी जो पोर्ट है, इसके साथ आया है। तो टाइप सी पोर्ट से आप जो नॉर्मल आपका जो टाइप है USB 3.0, उसका आप सिस्टम में कनेक्ट करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑडियो इनपुट भी है। तो ये HD6 और HD6 Plus, आप देखिए साइज बिल्कुल आपका सेम है, पोर्ट एकदम बिल्कुल सेम आपका है। ओनली इसमें आपका जो आउटपुट है HD6 का आउटपुट आपका नॉर्मल फुल HD है, जो भी आपका डिस्प्ले होगा। और इसका जो आउटपुट है HD60S Plus के, आपका अप टू 4K HDR आउटपुट आपको डिस्प्ले में मिलेगा। फाइनली हम लोग देखेंगे सबसे बड़ा प्रोडक्ट है, सबसे नया प्रोडक्ट है 4K 60S Plus। ये देखिए, 4K 60 HDR कैप्चर भी होगा और इसमें रिकॉर्डिंग भी होगा और पास थ्रू भी होगा, सब कुछ आपको इसमें शायद हो जाएगा। इसमें और एक अच्छा खासियत चीज़ है, वो है HEVC एनकोडर। ये आपको मैं अभी ब्रीफ करता हूँ, पहले इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बड़ा पैकेट है, एक क्विक स्टार्ट गाइड है, बड़ा सा बुक है,
तो इसको आप स्टडी कर सकते हैं। आपका जो भी रिकॉर्डिंग फैसिलिटी है, आपका जो एसडी कार्ड इंस्टॉलेशन है, आप कैसे करेंगे, कैसे आपको उसको यूज़ करना है कंप्यूटर में, कैसे कनेक्ट करना है, अगर आप बाहर जा रहे कैरी कर रहे तो उस टाइम आपको कैसे कैप्चर होगा, सारे फीचर्स आप इसको एक बार इसको गो थ्रू करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसके साथ क्या क्या केबल आया एक बार चेक करते हैं। पहले आपका HDMI केबल, एक आपका है टाइप सी केबल, ये भी USB 3.0। ये भी आपके USB Type-C USB 3.0 केबल। ये है आपका मेन डिवाइस। इसके साथ और एक बॉक्स है एक्सेसरीज का। आपका सारे इंटरनेशनल फ्लैग है कंट्री के हिसाब से। और ये आपका अडेप्टर है और एक छोटा सा आपका मल्टी लैंग्वेज का बुकलेट है। तो आपका नॉर्मल जो अडेप्टर है, अब अडेप्टर से आप चाहे तो इंडियन प्लग यूज़ कर सकते हैं या फिर UK का, सारे देश का आपका अलग अलग आपका पोर्ट है। तो आप इसका, अच्छा ये USB-C है आपका पावर के लिए। अच्छा क्यों दिया है इसके साथ, क्योंकि और कोई डिवाइस के साथ नहीं है, क्यों आपका 4K टेस्ट प्लग के साथ आया है। ये देखिए, ये आपका मेटल केसिंग है, इसको आप चाहे तो कैरी कर सकते हैं, आसानी से कैरी कर सकते हैं। तो ये मेनली जो मेन फीचर्स है आपका, इसमें आप डेडिकेटेडली HD कार्ड का, आप जो स्लॉट दिख रहा है HD कार्ड का स्लॉट में लगा के आप डायरेक्टली इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका कोई सिस्टम या कोई कंप्यूटर का ज़रूरत नहीं। आप कहीं बाहर गेम खेलने गए हो या फिर दोस्त के घर में या किसी के दूसरे सिस्टम के साथ आप कनेक्टेड हो, उसका वीडियो आपको कॉपी करना है, आपका जो खुद का सॉफ्टवेयर है उस सिस्टम में नहीं होगा, या फिर आप गेम खेलने जा रहे हो कोई कैफे में, वहाँ पर भी आपका खुद का सिस्टम नहीं होगा, तो वहाँ पर अगर आपको गेम कैप्चर करना है तो उसके लिए ये डिवाइस आपको मैंडेटरी चाहिए। यहाँ पे देखिए आपके HDMI इन HDMI आउट, तो यहाँ पे भी आपको सेम आपको जो वीडियो आ रहा है इनपुट, तो उसका आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और सेम आपको जो रिकॉर्डिंग है वो आपको आउटपुट में भी आप देख सकते हैं, वो भी दोनों 4K HDR में। 4K HDR में आपका इनपुट होगा, रिकॉर्डिंग भी होगा, 4K HDR में आउटपुट भी होगा। और इसमें आपका जो पावर जो है इस डिवाइस के पावर ऑन के लिए, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है पावर, तो USB Type-C से आपको पावर इसमें आ जाएगा। तो ये देखिए, ये जो पावर रेटिंग है ओनली 2.4 mA है। तो आप चाहे तो अभी बहुत सारे अभी पावर बैंक्स भी आ रहे हैं जिसका अभी ये सेम आपका एम्पीयर रेटिंग्स में आ रहा है, तो आपका अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या फिर पावर प्लग नहीं है, तो आप वो पावर बैंक से भी आप इसको पावर ऑन कर सकते हैं। सबसे अच्छा फीचर्स है क्योंकि इसमें Type-C इनपुट है पावर का, और ये जो आपका नॉर्मल USB Type-C है, यहाँ से आप कंप्यूटर या सिस्टम में कनेक्ट करके आप इस डिवाइस का जो भी डेटा है आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फ्रंट में देखिए आपका रिकॉर्डिंग का बटन है, एक आपका ऑडियो इनपुट है, अगर आपको कोई हेडफोन से आप गेम खेल रहे हैं तो हेडफोन का जो माइक का ऑडियो है तो आप इसमें देख के आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, या फिर आपका कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है उसका जो ऑडियो है वहाँ पे भी आप इसको देख के आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और जो HD कार्ड है, HD कार्ड में रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसका मतलब ये जो डिवाइस है इसके अंदर जो बोर्ड है, इस बोर्ड में आपका HAVC एनकोडर ऑलरेडी है। ये जो आपका HAVC रिकॉर्डर यहाँ पे मेंशन है, तो इसमें क्या होगा, सारे जो वीडियो के एनकोडिंग है इस डिवाइस के अंदर हो जाएगा। अगर इस डिवाइस से आप कोई कंप्यूटर सिस्टम में रिकॉर्डिंग करेंगे तो उस टाइम आपको कंप्यूटर प्रोसेसर का पावर उतना मैंडेटरी नहीं है, तो आप कोई भी कंप्यूटर या सिस्टम में आप इस डिवाइस को आसानी से लैग फ्री यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपका वीडियो आप डिस्प्ले करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, पूरा का पूरा लैग फ्री होगा। ये सबसे अच्छी बात है इस डिवाइस का। और इस डिवाइस का मेटल केसिंग होने के कारण आप इसको कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, तो उसमें आपको डैमेज भी नहीं आएगा। तो अभी चलिए अभी चारों प्रोडक्ट को हम लोग एक साथ देख लेते हैं। ये आपका 4K60S प्लस, ये आपका HD60S प्लस, ये आपका HD60S, और ये आपका कैमलिंक। इधर कैमलिंक एकदम छोटा साइज है, ये दोनों साइज आपका सेम है, और ये आपका थोड़ा सा बड़ा साइज है।
Elgato एक्सटर्नल गेम कैप्चर का सारे के सारे प्रोडक्ट का बेस्ट डील के लिए नीचे दिए लिंक पे विजिट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। नया वीडियो और अपडेट्स के लिए नेशनल बिजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस सारे प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स पे जरूर लिखिए।